और अगर कोई समझ रहा है कि इन इमारतों को ढाकर हमारे अजीम व हौसलों को कम कर ऐसा कहां से आ रहा मुझे भी नहीं मालूम। अब लोगों को शिकायत रहती है, शिकवा रहता है, अरे बाबा इतना पैसा कहां से आ रहा है? अरे भाई मेरे से शिकायत क्यों, अल्लाह से शिकायत करना। अरे अल्लाह इस गुनहगार को क्यों दे रहा, हम नेक लोगों को क्यों नहीं दे रहा? अल्लाह से पूछो। मेरी दुआ है कि अल्लाह तू इस गुनहगार के साथ साथ उन नेक लोगों को भी दे दे दौलत, उसके साथ हिदायत भी दे दे, कैसे इमारत है। मुझसे दुश्मनी है, मुझसे शिकायत है, मुझसे शिकवा है, मैं खराब हूं तो सही है। मैं 12 इमारतें बनाया, मुझ पे इल्जाम लगाने वाले, मुझको खराब कहने वाले से मैं दरखास्त करूंगा कि आप 24 इमारतें बना दो। मैं 40,000 बच्चों को पढ़ा रहा हूं, आप 4,00,000 बच्चों को पढ़ा दो, इससे कौम की भलाई होगी ना। मुकाबला करना है तो आइए मुकाबला करो। अकबर तूने बल्लागुड़े में ऐसी इमारत बनाई तो हम इससे अच्छी बनाए। अकबर तू हजारों बच्चों को पढ़ा रहा है, हम लाखों को पढ़ा। अकबर तू लाखों खवातीन को हुनर दे रहा है तो हम सैनिकों को देंगे, करोड़ों को देंगे। अकबर तो 1,000 यतीमों की कफालत कर रहा है, हम 10,000 यतीमों की करेंगे। मुकाबला इस तरीके से करो ना, जवाब अकबर का इस तरीके से दो ना, इससे कौम का भी फायदा है। नहीं अकबर साहब यतीम के सर पे हाथ रखे तो हाथ जरा टेढ़ा था, सीधा रहना यही हो गया होगा। नहीं अकबर साहब ऐसा क्यों रखे, ऐसा रखना। अकबर साहब खाने पे क्यों रखे, सर पे रखना। अकबर साहब सीने पे क्यों रखे, पीठ पे रखना। आप बताओ ठीक है भाई, मेरे हाथ में रखने का सलीका नहीं आया, मुझे हाबिल नहीं हूं। अल्लाह ने आपको नेक बनाया, हाबिल बनाया, इल्म की दौलत से नवाजा, सही हाथ रखना आपको अल्लाह ने सिखाया है तो चलो आप सही रखो। नहीं हम रखेंगे नहीं, जो रख रहा है उसको बोलेंगे ये तेरा है, सही नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है। आप बताओ ये मिजाज हो गया कौन है? महाराज मुझे उनकी परवाह नहीं है, हमारा काम जारी था, जारी है, जारी रहेगा।